पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की युवतियों को हुनरमंद बनाने के लिए सेंटर इंचार्ज अपर्णा सिंह ने हजरत गुलजार शाह मेला पंडाल में गोष्ठी का आयोजन किया। सेंटर इंचार्ज अपर्णा सिंह ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त RSWM लिमिटेड स्किल डिवीजन का निःशुल्क आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण का 5 जिलों में एक ट्रेनिंग सेंटर है। यह ट्रेनिंग सेंटर कुर्सी रोड लखनऊ के बसाहा गांव में बना हुआ है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की युवतियों को 3 माह में स्पेशलाइज्ड सिलाई मशीन ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को यूनिफॉर्म, खाना पीना, आवास, बैग, पेन और नोटपैड सहित क्लास पहचान पत्र निःशुल्क दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बच्चों को प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए टेबलेट एवं कंप्यूटर की सुविधा दी जाती है। प्रैक्टिकल पर अधिक से अधिक जोर दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत निश्चित रोजगार का अवसर दिया जाता है। सेंटर इंचार्ज अपर्णा सिंह ने आगे बताया कि यहां के 170 बच्चों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसमें से लगभग 60% बच्चियां नौकरी कर रही हैं। वहीं इस अवसर पर हजरत गुलजार शाह मेला के नायब सदर अब्दुल जावेद खान सोनू ने हजरत गुलजार शाह जन सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस जन सेवा केंद्र के माध्यम से गरीबों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान संतोष कुमार, जीसान खान, राजेश कुमार, इजराइल खान, जियाउद्दीन, सरताज सहित प्रशिक्षण पाने वाली युवतियां मौजूद रहीं। अवध न्यूज के लिए बिस्वा से शावेज खान की रिपोर्ट। की संस्था का क्या उद्देश्य है, संस्था का आगे क्या करना चाहती है बच्चों के भविष्य के लिए? हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत RSWM राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स के द्वारा हम जो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां हैं उनको हम ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको हम नौकरी का भी अवसर देंगे। 3 महीने की जो ट्रेनिंग है उनमें जो उनका हुनर है उनका विकास होगा और 3रे महीने के बाद 4थे महीने से उनका जो अनुभव, एक्सपीरियंस जो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कोई भी काम करने के लिए, उसका जो सफ़र है वो चालू होगा। तो अगर कोई भी बच्ची समय देगी, 3 महीने तक वो सीखेगी और 4थे महीने तक उसका जो एक्सपीरियंस गेनिंग है, उसका जो अनुभव है ज़िंदगी का, जो काम करने का अनुभव है, तरीका है, सलीका है, उस पर काम किया जाएगा। आपका संगठन किन विषयों पर प्रशिक्षण देगा बालिकाओं को? हमारा जो संगठन है वो जो इंडस्ट्रियल मशीन होती है, जो पावर से चलने वाली सिलाई मशीन होती है, इस पर काम सिखाएगा। हमारे सेंटर पे 3 प्रकार की मशीनें हैं, फ्लैट लॉक, इंटरलॉक एंड सिंगल नीडल। इसके साथ साथ बेसिक कंप्यूटर और बेसिक अंग्रेजी भी बच्चियों को सिखाई जाएगी। मैम, ट्रेनिंग सेंटर इसका कहाँ पे होगा? इसका ट्रेनिंग सेंटर बशाहा कुर्सी रोड पर है। ये स्पोर्ट्स कॉलेज से, जब आप टेढ़ी पुलिया से आएंगे, स्पोर्ट्स कॉलेज से 2 किलोमीटर आगे बढ़ेगा। वहाँ पे बच्चियों के रहने की व्यवस्था जो वगैरह, जितनी भी बेसिक सुविधाएं हैं, रहना, खाना, रहने की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी निःशुल्क हैं, कोई पैसा नहीं पड़ेगा। थैंक यू।